महीने में ये शुरुआत ही। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, गणेश चतुर्थी आ गई है और आज हम आ चुके हैं चंदौसी। जैसा चंदौसी में आप लोगों को पता होगा, चंदौसी में लगता है गणेश चौथ का मेला हर साल, तीन साल से नहीं लग रहा था लॉकडाउन की वजह से, और तीन साल बाद जो है मेला लग रहा है। तो अभी मैं हूँ जस्ट मेले में ही, और एशिया में सिर्फ दो ही जगह लगता है गणेश चौथ का मेला, एक लगता है मुंबई में और एक लगता है अपने चंदौसी में। तो इस बार हम आ चुके हैं पूरा आपको मेला दिखाने वाले, कितने झूले लग रहे हैं और कैसी दुकानें लग रही, कैसी व्यवस्था है, पूरा आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। और चैनल बने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली गणेश चौथ के मेले से रिलेटेड, और काफ़ी सारी वीडियो आने वाली हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट। सो गाइस, फाइनली मेले पे आ चुके हैं और ये है मेले का एंट्री गेट, और काफ़ी सारी पुलिस प्रशासन की चेकिंग हो रही है। बाकी इधर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज पहला दिन है मेले का। जल्दी से करते हैं एंट्री पूरे मेले में अंदर और दिखाते हैं अंदर का सीन, कैसे क्या भीड़ है पूरी। मेले में घुसते ही हमें मिलता है सबसे पहले ऊँट, जो कि बच्चों की सवारी के लिए है यहाँ पे। और ये देखो, और इधर है हमारी भारत माता, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पर पहले वीडियो बना के गया था। यहाँ पे देख सकते हो आप, लाइटिंग वगैरह हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो लेके चलते हैं पूरे मेले में, दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मिल चुकी है घुसते ही, फन कैंडी वाले जो होते हैं वो मिल चुके हैं, दिखाता हूँ आपको एक बार। तो ये देखो एक बार, तो इसके सामने भीड़ देखो एक बार कितनी है, तो आगे से दिखाता हूँ आपको लेके चल के, ठीक है। देखो यहाँ पे कैंडी देंगे बच्चों को और हाथी मजाक करेंगे उनके साथ। देखो देखो दे दी आइसक्रीम, काफी मजा आया भाई। तो वहाँ से लेके यहाँ तक सब में है कुल्फी और फ्लेवर वाली आइसक्रीम, जैसा कि फ्रूट वाली आपको ज्यादा पसंद आएगी। और इस साइड है अपने झूले, तो झूले बच्चों को काफी पसंद आते हैं, तो मैं डायरेक्ट झूले पे ही आ चुका हूँ। तो बड़ा वाला रोलर लगा हुआ है यहाँ पे सबसे पहले, काफी अच्छी लाइटिंग के साथ, और आप एक बार देख सकते हैं। तो बाकी टिकट पता करते हैं इसका कितने का है, बताते हैं आप सभी को। और वहाँ से वहाँ तक झूले ही हैं लाइन से, सब पहले झूले दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। तो इसका टिकट पूछते हैं कितने का है फटाफट से भैया से। भैया कितने रुपए का टिकट है इसका, कितने रुपए का टिकट है? 70 रुपए का टिकट है पर बंदा इसका, बड़े वाले रोलर का, ठीक है ना। तो बाकी एक झूला ये लगा हुआ है ऊपर नाव वाला, तो इसका भी टिकट पता करते हैं कितने रुपए का है। तो भैया कितने रुपए का टिकट है? 70 रुपए का। अच्छा, तो बड़े वाले रोलर का और इसका टिकट सेम ही है, 70 रुपए का इसका है, 70 रुपए का इसका है। तो बाकी इस रोल वाले झूले से मुझे काफी ज्यादा डर लगता है क्योंकि भाई उल्टियाँ वगैरह आ जाती है। तो इसका टिकट पूछते हैं कितने रुपए का है। भैया कितने रुपए का टिकट है? 70 का। सबके सेम ही है क्या ये? अच्छा, तो तीनों झूले का 70 रुपए का टिकट है मात्र, इसका भी 70 का, नाव वाले का भी और रोलर का भी 70 रुपए का, ठीक है ना। तो ये भाई मेरा फेवरेट झूला है, राउंड वाला हथौड़े वाला। तो ये बंद है क्या अभी? कब खुलेगा? कितने रुपए का टिकट है इसका? अच्छा, 70 रुपए का टिकट है इसका भी। अच्छा, तो इसका भी 70 रुपए का टिकट है। और बाकी एक झूला और है आगे, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। ये आ जाता है बच्चों का झूला, प्लेन टाइप का, ये आप झूल सकते हो नॉर्मल। तो इसका भी शायद 70 रुपए का ही टिकट होगा, जहाँ तक मैं पूछ के बताता हूँ अभी। कितने रुपए का टिकट है भैया? 70। तो भाई साहब, सब झूलों का 70 रुपए का टिकट, आप कोई सा भी झूल सकते हो यहाँ पे 70 रुपए में, ठीक है ना। बच्चों के लिए नाव वाला भी है, ठीक है। बाकी बच्चों के लिए यहाँ पे छोटे वाले झूले भी हैं, जिसका टिकट है 30 रुपए, इसका, इसका और उसका, ठीक है ना। और जंपिंग वाला भी है जिसका 30 रुपए है पर बच्चा, 5-10 मिनट झुलाएंगे। बाकी देखो एक बार ये, तो जस्ट मेरे सामने इस समय मौत का कुआ, और इसका टिकट पूछते हैं कितने रुपए का है। मौत का कुआ आपको नहीं पता हो तो बहुत से लोगों को बता दूं, गाड़ी गोल गोल घूमती है, बाइक कार सब चीज़, ठीक है ना। टिकट पूछते हैं इसका एक बार कितने रुपए का है। कितने रुपए का टिकट है? अच्छा, इस 50 का। तो भाई मौत के कुआ का टिकट है सिर्फ 50 रुपए का, और वहाँ पर सारे झूलों का टिकट है 70 रुपए का, तो इस टिकट का है सिर्फ 50 रुपए का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको खुशबू सुपर सॉफ्टी वालों की दुकान मिल जाएगी, जो कि हर मेले में गणेश चौथ में हर साल आते हैं, मैं तो देख रहा हूँ काफ़ी साल से ही ना। तो यहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपको इधर लेके चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या है।
बाकी सॉफ्टी की तो आपको बहुत सारी एक से एक तगड़ी दुकान मिल जाएंगी, पर इनका टेस्ट अलग ही रहता है हर बार की तरह। और कुछ यहाँ ये लेडीज़ को लेडीज़ में मिल जाएंगे आपको, और ये देख सकते हो 170 रुपये का मात्र लोअर। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन उधर है, कुल 5 लाइन लगती हैं पूरी पूरी यहाँ पे। तो एक एक करके सबको आपको लाइन में वो घुमाता हूँ। तो यहाँ पे हर माल जो है 10 रुपये का है, ये आप देख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो यहाँ से आप। बाकी ये देखो एक बार, तो वुडन्स का माल यहाँ पे मिल जाएगा आपको काफ़ी ज़्यादा घर का, और अभी जो है माल सब खुल ही रहा है ये देखो। और काफ़ी ज़्यादा दुकानें अभी जो है यहाँ पे लगी भी नहीं है, और काफ़ी देखो सब सो रहे हैं अभी यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे आपको कप मिल जाएंगे, कप आप ले सकते हो। तो भाई मुझे तो ये वाले कप काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, एक मैं लेके जाऊँगा, अभी नहीं कल लेंगे। और ये भी हर माल 10 रुपये में, यहाँ सब कुछ भी ले सकते हो 10 रुपये में। और भी टाइम हो चुका है, रात के बज रहे हैं 11, तो आप देख सकते हो काफ़ी सारी दुकानें लग रही हैं अभी, आज पहले दिन है इसलिए, ठीक है ना। तो ये हो रहा है संजीवनी का एड, और ये आ चुके हैं हम स्मार्ट वॉच देखते हैं यहाँ पे अपने लिए। और ये देख सकते हो एक बार चश्मे बेल्टों की, क्या चश्मे बेल्टों की दुकान है क्रिस, लेगा कुछ। तो ये भाई साहब भी ब्लॉग शूट कर रहे हैं, काफ़ी दिन से जिद कर रहे थे, तो देखते हैं। भाई साहब एक स्मार्ट वॉच दिखा दो, स्मार्ट वॉच देखो, हाँ मतलब बता दो उस लोग आप, ये दिखा दो कितने रुपए की है दिखाना है। तो ये देखो ये बिल्कुल स्मार्ट वॉच लगती है, और ये 160 रुपये की है, इसमें है क्या देखो ये, बस लुक वाइज जो है बस पूरी एप्पल वॉच लगती है। बाकी देख सकते हो काफ़ी सारे डिज़ाइन है इसमें देखो। तो ये भी गणेश चौथ के मेले मिलेगा, यहाँ से आप ले सकते हो, आगे बाय कर सकते हो 160 रुपये की मात्र। तो इधर है बच्चों के टॉयज़ की दुकान, और ये आ गई है समय 3rd लाइन। हम उधर से हम 2 लाइन में से अभी आ रहे हैं, 1 लाइन से गए थे, 1 लाइन से आ गए। तो ये है 3rd दुकान, और ये देखो क्या चश्मे वैल्टी की दुकान है। अभी एक पीछे देख के आ रहे हैं घड़ी लेके, और इनके पास भी काफ़ी सारी आइटम लग रही हैं मेरे तो देखने की। तो बाकी ये हम नकली आईफोन पहनते नहीं हैं, ओरिजिनल वाले हैं हम तो। अरे भाई साहब ये देखो एक बार बुटन की, मतलब गणेश चौथ की यही खास बात है, ये देखो ये है पूरी बुड़न की दुकान। गणेश चौथ मिलेगी सबसे बड़ी बुड़न की दुकान है, हर एक आइटम एंटीक है यहाँ पे, तो आप यहाँ से ले सकते हो। गली नंबर 3 में है ये, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं, आजा क्रिस। बाकी आप लोग एक बार ये देखो दुकान यहाँ पे जो है अभी लगी रही है, लगी नहीं है प्रॉपर, पूरा मार्केट अभी सेट हुआ नहीं है, क्योंकि आज पहला दिन है ना, तो पहले दिन में लोग ज़्यादा कम ही आ रहे हैं, क्योंकि आज 30 तारीख है, 30 तारीख को मेला शुरू था। अब शुरू पहले कर दिया तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो ये 2 दिन पहले शूट कर गया था। तो बाकी दिखाता हूँ आपको पूरा मेला, ठीक है ना। बाकी सोफे के कवर और ब्लैंकेट वगैरह यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं यहाँ से। और घरेलू सामान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, एंटिक चीज़। और बाकी लेडीज़ और लड़कियों की ज्वेलरीज वगैरह मिल जाएंगी यहाँ पे आपको, नेकलेस वगैरह। और वुडन्स की काफ़ी ज़्यादा शॉप लग रही है, एक से एक तगड़ी जो वुडन्स के माल होते हैं ना, एंटिक सोपीस, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ले सकते हैं। और ये देखो सेल, हर माल 10 रुपये, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। तो एक लाइन वो है वहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पूरी 5 लाइन है टोटल, जैसे घूम फिर के आप दिखा सकते हैं। जिसमें से हमने आपको 3 दिखा दी, जो मेन है वो मैंने आपको दिखा दी, बाकी यहाँ पे पूरा फुल ब्लॉग मिलता रहेंगे। अब आपको वीडियो यहाँ की हर एक छोटी छोटी जानकारी हम देते रहेंगे। बाकी यहाँ पे टैटू वगैरह बनवा सकते हो आप, टैटू वगैरह बन रहे हैं, ठीक है ना। आवाज आ रही है भाई साहब, अंदर है क्या कोई, इसमें हैं कि अच्छे अंदर बैठे, मैं सोच रहा हवा से हवा चल रहा है। अभी हम मेले के बाहर आ चुके हैं, और ज़्यादा भीड़ अभी है नहीं, बाकी पुलिस प्रशासन सेवा में तत्पर। और इधर लगी है भाई चोको चिप्स, इधर लगा है अपना फ्रूट आइसक्रीम, तो आप जो भी यहाँ बनवाना चाहो बनवा सकते हो, और जस्ट मेले के सामने लगा हुआ है। तो अभी हम आ चुके हैं गणेश मंदिर पे, और गणेश मंदिर पे आपको दिखाते हैं कैसी क्या डेकोरेशन है। और सामने ही है हमारे गणेश जी की मूर्ति, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, वाइट कलर है, लाइट लगा रखी है। तो यहाँ पे जो है रास्ता बंद कर दिया है, जाम लग गया है, उतरो गणेश। तो ये है सामने हमारे गणेश मंदिर, चंदौसी का मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल मंदिर, जिसके देखो आप डेकोरेशन देखो एक बार भाई, कितनी सुंदर हो रखी है यहाँ पे। और जस्ट उसी के सामने है हमारे गणेश जी की प्रतिमा, जो कि काफ़ी बड़ी बनी हुई है, और तिरंगे के कलर में भाई शेप दे रखी है। और इधर हो रखी है झांकियां शुरू, जो अभी हम नहीं दिखा सकते, पहले भी दिखाई थी, इस बार भी नहीं दिखाएंगे। और इधर भी झांकियां, और एक बार ये देखो
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, गणेश चौथ का मेला आपको पसंद आया हो। काफी सारी वीडियो आने वाली है गणेश चौथ के मेले के ऊपर, और अभी हम खड़े हैं जस्ट गणेश मंदिर पे। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय बाय।